बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपके साथ स्टार्ट कर, फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके पास, सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर ए हैज इट्स टेल एट द पॉइंट पी दिस एंड इट्स टिप एट क्यू दिस, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। उसे ना आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट पी है दूसरा पॉइंट क्यू है, तो कह रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स की तरफ आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो न्यूमेरिकल सोल्व करने का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जाके पास जो स्टेटमेंट होती है आपने उसमें से आपने गिवन डाटा के फॉर्म में अपना लिखना होता है सारा डाटा ना। आप लिखोगे गिवन डाटा के पास आपके पास जो एक पॉइंट पी है आपने वो लिख देना है, पी पॉइंट आपके पास ये है, दूसरा पॉइंट आपके पास क्यू है उसको आपने लिख देना है, और फाइंड करना है आपने डिस्टेंस आपने इन दो पॉइंट के दरमियान। लेट्स सपोज अगर मैं आपको ड्रा करके दिखाऊं, ये आपके पास है पॉइंट पी और ये आपके पास है क्यू पॉइंट, ठीक है। पी पॉइंट के जो इसके कोऑर्डिनेट है वो -2 और -3 है, और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3 और 9। तो कह रहे हैं इन दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है। डिस्टेंस को हम आर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने ये पॉइंट्स को जो आपको गिवन पॉइंट्स हैं हम इनको इसको पोजिशन वैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जो आपको पॉइंट्स गिवन है ना पी और क्यू, इन पी और क्यू के पॉइंट्स को ना आप पोजिशन वैक्टर के फॉर्म में लिखोगे। आप लिखोगे पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पॉइंट पी, पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी को आप आर वन वैक्टर आर वन से डिनोट करोगे, और वो आप उसको लिखोगे -2 इन द फॉर्म ऑफ आई यूनिट वैक्टर, -3 इन द फॉर्म ऑफ जे यूनिट वेक्टर। सेम इस तरह आपने पी के पॉइंट को लिखा ना, आपने इस तरह क्यू के पॉइंट को लिख देना। आपने कहना है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, तो आपके पास आ जाएगा R2 वेक्टर, ठीक है। आप उसको R2 वेक्टर से नोट करोगे, तो आपके पास क्या है 3 यूनिट वेक्टर i प्लस 9 यूनिट वेक्टर j, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना तो उस डिस्प्लेसमेंट से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट पी बिटवीन पॉइंट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने डिनोट करना है वेक्टर r से। और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, R2 -R1, यह हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट जिसको हमने वेक्टर R से डिनोट किया है। R2 की जगह आपने अपना R2 वाला पोजीशन वेक्टर की वैल्यू लगा देनी है, वो क्या है आपके पास 3i प्लस 9j, दरमियान में माइनस फॉर्मूले वाला है ऐसे टेस लिखकर, यानी कि पोजीशन वेक्टर P की वैल्यू पुट करनी है, आपके पास है -2i -3j, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। अब आपने इसको सोल्व करना है 3i एज इट इज प्लस 9j एज इट इज, और आपके पास यहाँ पे ना आपने इसको यानी कि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, जब आप माइनस को माइनस के साथ करोगे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाते हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर आपके पास माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना तो हो जाएगा प्लस 3j हो जाएगा। अब आपने यूनिट वेक्टर i के अंदर i को ना प्लस करना है, और यूनिट वेक्टर j के अंदर j को प्लस करना है, ठीक है। तो ये आपके पास है यूनिट वेक्टर i और ये i, तो तीन के अंदर आपने जब दो को जमा किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 यूनिट वेक्टर i प्लस, और आपके पास यहाँ पे j यूनिट वेक्टर 9 है और साथ j वेक्टर उसके साथ 3 है, तो 9 के अंदर आपने जब 3 को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12 यूनिट वेक्टर जे, आपके पास आ गया आर, ये आर के आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। अब इस डिस्प्लेसमेंट से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ आर। तो डिस्टेंस ऑफ आर जो है वो आपके पास क्या आता है, आपके पास डिस्टेंस जो होता है वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर के, ठीक है। आपने याद रखना है आपके पास डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, आप जिस वेक्टर का डिस्टेंस फाइंड कर रही हो वो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा आर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर जो है वो आपके पास होता है जो यूनिट वेक्टर आई के साथ होता है कोफिशिएंट, वो होता है एक्स, तो आपके पास हो जाएगा इधर 5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आपके पास जो जे के साथ कोफिशिएंट है आपके पास है वाई की वैल्यू, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर, आपने इन दोनों का स्क्वायर जो है वो अप्लाई कर देना है, तो 5 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है, आपने कैलकुलेटर पे ना 12 का स्क्वायर फाइंड करना तो होता है 144 के बराबर। 25 के अंदर जब आप 144 को प्लस करोगे तो आपके पास हो जाता है 169 के बराबर होता है, और अंडर रूट 169 जब आप करोगे ना कैलकुलेटर पे सोल्व तो आपके पास आ जाएगा 13, तो 13 यूनिट्स आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। सो कि आपको अपनी इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। ये हमारे पास स्टेटमेंट, अ सर्टन कॉर्नर ऑफ द रूम इज सेलेक्टेड एज अ ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ एन इंसेक्ट इज सिटिंग ऑन द एडजेसेंट वॉल एट द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 2 and 1 वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम। क्या कह रहा है, आपके पास एक
आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने सपोज करना है कि आपके पास एक रूम है, उस रूम का एक कॉर्नर है। अगर मैं आपको इस वाले सर्टन जो आपको सिचुएशन बताई गई है इसको मैं आपको ड्रा करके बताऊं, तो लेट्स सपोज ये आपके पास है एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो एक रूम है ना वो एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। तो इसका जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर आपके पास है ओरिजिन, और आपने हमेशा याद रखना है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होते हैं 0 0। इस कॉर्नर से कहते हैं एक वॉल है, इस वॉल पे आपके पास कोई एक इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट के पॉइंट उसने बताया आपको 2 और 1, यानी कि ये उस इंसेक्ट की पोजीशन है जिस पे ये कोई इंसेक्ट बैठा हुआ है, ठीक है, या कि स्टेटमेंट में बताया गया है। तो कह रहा है कि आपने ओरिजिन से लेकर जहाँ पे इंसेक्ट बैठा हुआ है ना, आपने इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, डिस्टेंस ही फाइंड करना है। पोजीशन ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इस इंसेक्ट की, यानी कि इस ओरिजिन से इस इंसेक्ट की जो पोजीशन जो है ना, पोजीशन वो आपके उस एक पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट आपके पास है पी, और इस पॉइंट को आपने कहना है 2 और 1 उसने गिवन है, ठीक है। फाइंड करना आपने डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब कॉर्नर से आपने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है जिसको आर है, ठीक है, वो आपने फाइंड करना है। आपने को क्या सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने अपने इस पोजीशन जो आपके पास इस इंसेक्ट की जो पोजीशन दी है ना, आपने इसको इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखना है। आपने लिखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर से इस इंसेक्ट की जो पोजीशन वेक्टर है ना, इसको आपने लिखना है। आप इसको ना वेक्टर आर से डिनोट करोगे, और ये आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा इसको आपने लिखना है, ठीक है, 2i + 1j, ये आपके पास है। आपने डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो आप यहाँ लिखोगे डिस्टेंस जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा आर से, और आपके पास अभी आपने पढ़ा डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, यही होता है ना। तो आपने अब यहाँ पे करना है वैल्यूज पुट करनी है, एक्स आपके पास होगा ये जो आई के साथ है 2 का स्क्वायर, और वाई आपके पास है ये जो जे यूनिट वेक्टर के साथ 1 है, या के पास वाई का स्केयर आ गया। आप करोगे आपके पास 2 का स्केयर क्या होता है, आपके पास 2 का स्केयर आपके पास बराबर होता है 4 के, और 1 का स्केयर 1 होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 के अंदर, आपको जब 1 को प्लस करोगे तो आपके पास यहाँ पे 5 आ जाएगा √5, और जब कैलकुलेटर पे आप √5 लोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.24 मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया डिस्टेंस, यानी कि इस इंसेक्ट का इस ओरिजिन से इस कॉर्नर से इतना डिस्टेंस है, ठीक है, आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। न्यूमेरिकल 3 में लिखा हुआ है व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, उसने आपको एक वेक्टर दे दिया हुआ है, वो कह रहा है आपने इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे गिवन डाटा के अंदर आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए जो आपके पास उसने आपको दिया हुआ है 4i + 3j, तो आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर को हम ए के ऊपर कैप से डिनोट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद आपको पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप इज इक्वल है वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए की मैग्नीट्यूड, आपने याद किया हुआ है ना। तो आपने सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। आपके पास ए की मैग्नीट्यूड को इसे लिखते हैं ना, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, तो इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला का क्या होता है, √x² + y² वैल्यूज पुट करी। आपके पास x का स्क्वायर जो आपके पास क्या है, आई का कोफिशियंट जो कि 4 है, 4 का स्क्वायर, वाई आपके पास क्या है जो जे का कोफिशियंट है वो आपके पास 3 है, ठीक है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो जब आपने 16 के अंदर 9 को प्लस किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 25, √25, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है ये, तो आपके पास क्या होगा, जब आप 5 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आगे जाएगा 5, आपके पास ए की मैग्नीट्यूड आगे 5। आपने यूनिट वेक्टर लिखना है फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर यानी कि कैप ए के ऊपर कैप लगा के वेक्टर ए के बराबर, वेक्टर ए जो आपके पास गिवन था, वेक्टर ए की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है 4i + 3j। यहाँ पे पुट करें 4i + 3j डिवाइडेड बाई, और आपके पास ए की मैग्नीट्यूड क्या है 5, तो आपने यहाँ पे 5 लिख देना है। तो ये आपके पास आ गया आपका आंसर, यूनिट वेक्टर जो है आपके पास आ गया 4i + 3j डिवाइडेड बाई 5, ये आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है ये भी सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट, आपके पास 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट r1 दिस एंड r2 दिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर r2 - r1 एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द x एक्सिस। कह रहे हैं कि 2 पॉइंट्स गिवन है आप, तो आपने इन 2 पॉइंट्स की जो है वो r2 - r1 फाइंड करना है, r2 - r1 के मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और ओरिएंटेशन फाइंड करनी है। ओरिएंटेशन में मतलब एंगल्स फाइंड करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो हम यहाँ पे अपना गिवन डाटा देखते हैं, हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है
आर वन वैक्टर दिया हुआ है जो कि आपके पास ये है और आर टू वैक्टर दिया हुआ ये है। हमने फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर आर टू माइनस आर वन। आर टू माइनस आर वन वैक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और ओरिएंटेशन फाइंड करनी है। ओरिएंटेशन मतलब एंगल फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आपके पास जो आपने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम आर वैक्टर फाइंड करेंगे। आर वैक्टर जो है हमारे पास क्या आएगा, आर टू माइनस आर वन के, यानी कि जो हमने फाइंड करना है ना आर टू माइनस आर वन की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ना, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने से पहले हमें ये वैक्टर फाइंड करना होगा आर टू माइनस आर वन। तो आर टू माइनस आर वन जो है हम उसको लेट कर लेते हैं, हमारे पास आर के बराबर है। तो वैल्यूज पुट करें आर टू की जगह, आर टू वाली वैल्यू पुट करें, हमारे पास क्या है माइनस टू आई प्लस थ्री जे ब्रैकेट दरमियान माइनस आ जाएगा, और आर वन की जगह आप क्या पुट करोगे थ्री आई प्लस सेवन जे और ब्रैकेट क्लोज। तो आपने इसको सोल्व करें माइनस टू आई एज इट इज प्लस थ्री जे एज इट इज माइनस थ्री आई, और ये वाला माइनस जब इस अंदर वाले से साथ जब अप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, माइनस का साइन भी चेंज हो गया क्योंकि पहले प्लस का था, और ये प्लस सेवन के साथ प्लस का साइन होते भी चेंज हो जाएगा माइनस सेवन जे हो जाएगा। माइनस टू आई और माइनस थ्री आई कितना हो जाएगा, हमने आई के अंदर यूनिट वेक्टर आई के अंदर यूनिट वेक्टर आई को हमने करना है माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस फाइव आई। यहाँ पे आपने माइनस सेवन के अंदर थ्री को जब आपने माइनस किया बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है माइनस, जगह सात के अंदर आपने तीन को माइनस किया तो आपके फोर जे माइनस फोर जे ये आपके पास आ गया आर वेक्टर। अब इस आर वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीट्यूड, हम यहाँ पे लिखते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है हमने आर वेक्टर की, और ये आर वेक्टर किसके बराबर था हमारे पास, हमारे पास ये बराबर था आर टू माइनस आर वन के, ठीक है, इसके बराबर था। यानी कि हमारे पास ये जो आर वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप देखोगे अंडर रूट, आपके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला होता है ना एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, तो आपके पास यहाँ पे एक्स का स्केयर क्या है, ये जो आपके पास आई आई के साथ जो कोफिशियंट है यानी कि माइनस फाइव का स्केयर प्लस फॉर्मूले का, और आपके पास वाई के जगह क्या आ जाएगा माइनस फोर का होल स्केयर, ये आपके पास आ गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस फाइव का स्केयर क्या होता है, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है, तो आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी फाइव, और फोर का स्केयर माइनस खत्म हो जाएगा, फोर का स्केयर सिक्सटीन होता है, सिक्सटीन और पच्चीस को आपने जमा किया तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट फोर्टी वन। फोर्टी वन को जब आप अंडर रूट कैलकुलेटर पर करोगे तो आपके पास आ जाएगा सिक्स पॉइंट फोर। तो आपके पास ये नहीं कि आर वैक्टर, आर वैक्टर क्या था आपके पास, असल में ये आपके पास मैग्नीट्यूड थी, किसकी मैग्नीट्यूड थी आर टू माइनस आर वन की, आपने कहना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, किन वेक्टर्स की आर टू माइनस आर वन की मैग्नीट्यूड जो आपके पास ये आ गई, ये आपके पास जो है आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने ओरिएंटेशन फाइंड करना है, पहले उसने हमें कहा था मैग्नीट्यूड फाइंड करें और दूसरे साथ उसने बोला ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब एंगल फाइंड करना है, तो अब हम यहाँ पे एंगल्स की दे देते हैं हेडिंग। तो एंगल फाइंड करने का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, हमारे पास फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल है टैन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पुट करना है टैन इनवर्स वाई, आपके पास क्या है जो आपके पास यहाँ से जो आपने फाइंड किया था ये आर वाला वाई आपके पास है, वाई कहती हैं जो जे के साथ जो कोफिशियंट होता है, तो जे के साथ जो कोफिशियंट है वो फोर है, तो आपने वाई की जगह फोर पुट कर देना है, और एक्स आपके पास जो आई के साथ होता है जो पाँच है, तो आपने पाँच कर लेना है। अच्छा, आपने यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि यहाँ पे आपके पास दोनों आई के साथ ही माइनस का साइन है, और यहाँ पे जे के साथ भी माइनस का साइन है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो आपने गैस करना है कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहले हम ये वाला फाइंड कर लेते हैं टेन इनवर्स फोर बाई फाइव, सबसे पहले आपने के ऊपर 4 बाई फाइव को ना डिवाइड करना है, जब आप 4 बाई फोर को डिवाइड करोगे 5 के ऊपर तो आपके पास आ जाएगा 0.8 कैलकुलेटर के ऊपर। आपने ये करना है, अब टेन इनवर्स ले लेना है, टेन इनवर्स 0.8 करना है, तो आपके पास कैलकुलेटर पे वैल्यू आएगी 38.6 आएगी, आपके पास 38.6 आएगी। अब आपने ये करना है, ये आपके पास आ जाएगा फाइव आ गया आपके पास, आप देखिए जरा आपके पास ये दोनों माइनस के हैं, आई के साथ भी आई यूनिट वेक्टर के साथ ही माइनस का साइन है, और जे वाली यूनिट वेक्टर के साथ माइनस का साइन है। आपने देखना है अगर आपके पास एक्स और वाई दोनों माइनस के हों तो किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रही होती हैं, लेट्स सपोज ये आपके पास है एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ये होता है एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई पॉजिटिव और ये नेगेटिव वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास देखिए जरा ये एक्स भी जमा का है और वाई भी जमा का है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यूज प्लस प्लस की लाई करती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास जो एक्स नेगेटिव का लाई कर रहा होता है जबकि वाई पॉजिटिव लाई कर रहा होता है। थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास दोनों यानी कि एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स
पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो आपके वाले केस में देख, एक्स भी आपके पास नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो आपके पास ये लाई कर रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट में। आपने लास्ट में लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है एज रिजल्टेंट, आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट इज लाई इन थर्ड कोऑर्डिनेट, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका मतलब है सो डायरेक्शन इज, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन आपके पास होगी थीटा इज इक्वल है 180 प्लस फाइव, यानी कि जब आपके पास ये वाला एंगल यहाँ पे इस वाली जगह पे लाई कर रहा है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, और यहाँ पे जब ये यहाँ पे ये आपका एंगल जो है ये यहाँ पे बन रहा है, तो आपके पास क्या करना है, आपने 180 को प्लस करना है, आपने करना है 180 प्लस फाइव जो आपके पास एंगल होगा, ठीक है। ये या आपने याद रखना है जब आपका, जब आपके पास एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो, एक्स का कोफिशियंट भी नेगेटिव हो और वाई का कोफिशियंट भी नेगेटिव हो, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमने अपने एंगल के अंदर 180 को प्लस करना होता है। तो आपके पास जो थीटा है ना वो आपके पास बराबर आ जाएगा, आपके पास थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा 180 प्लस 180 डिग्री प्लस जो आपके पास यहाँ पे आया था 38.6। जब आप 180 डिग्री के अंदर प्लस करोगे 38.6 को, तो आपके पास आंसर में आएगी वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर 218.6 डिग्री आएगी, ठीक है, ये आएगी। तो आप इसको कर दो कि इसको राउंड ऑफ, यानी कि जो आपके पास पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो हम उसको एक इंक्रीज कर देते हैं पीछे वाली वैल्यू, तो इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना, तो आपको आता होगा ना, यानी कि पॉइंट्स के बाद अगर आपके पास वैल्यू 5 से बड़ी है तो आप पॉइंट्स से पहले वाली वैल्यू को एक बढ़ा दोगे, यानी कि तो अगर 218 है ना तो आप इसको 219 डिग्री कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास ये एंगल भी आ गया, आपने यहाँ पर लिख देना है आपके पास ये जो थीटा एंगल है वो आपके पास आया है 219 डिग्री, तो ये आपके पास आ गया आंसर। आपने एंगल भी फाइंड कर लिया और आपने अपना यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिए, ठीक है। आई होप सो कि आपको इसके क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5 के स्टेटमेंट पढ़ लेती हैं, इफ द वेक्टर बी इज एडेड टू द वेक्टर ए द रिजल्टेंट इज दिस, इफ बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए द रिजल्टेंट इज दिस, What is the magnitude of the vector A? अब आपने ना इस स्टेटमेंट को सिर्फ गौर से समझना है, अगर आपको इस स्टेटमेंट की समझ आ गई इट मीन्स आपकी न्यूमेरिकल खुद ब खुद सोल्व कर सकते हो। तो देखिए स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जब आप, यानी कि वेक्टर A के अंदर जब आप वेक्टर B को प्लस करते हो तो आपके पास ये रिजल्टेंट आता है ये वाला, और जब वेक्टर A के अंदर से वेक्टर B को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास ये रिजल्टेंट आता है, तो आपने वेक्टर A की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, ये आपके पास स्टेटमेंट है। आप देखोगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, आपके पास गिवन कंडीशन है ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी, जब आपने इन दोनों वेक्टर को प्लस किया तो उसने आपको कहा कि ये बराबर आता है 6 यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट वेक्टर जे के, और वो कह रहा है कि जब आप वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करते हो तो आपके पास आंसर आता है -4i प्लस 7j। फाइंड करनी है आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये आपके पास है गिवन डेटा। अब आप क्या करोगे, सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद आपके पास ये जो है ना वैल्यू, हम इसको दोबारा लिखते गिवन कंडीशन को, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपके पास इक्वल आया 6i प्लस j, और आपके पास दूसरा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी जो आपके पास बराबर आया है -4i प्लस 7j के, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करें कि हमारे पास ए या बी में से कोई एक खत्म हो जाए, तो देखेंगे जरा बी हमारे पास हमें नजर आ रहा है कि ए वाला बी प्लस का एक माइनस का है, तो आप इसको जमा करेंगे तो क्या कैंसिल होने हो जाएंगे, यानी कि हमने प्लस वाले बी को माइनस वाले बी से कैंसिल करा दिया और हम इसको पूरी इक्वेशन को प्लस कर रहे हैं। जब हम ए के अंदर ए को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का कोफिशियंट भी मानना है और यहाँ भी बी का कोफिशियंट मानना है, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आ जाएगा 2a, तो जगह इक्वल आ गया। अब यूनिट वेक्टर आई के अंदर आपने यूनिट वेक्टर आई को प्लस करना है, 6 के अंदर से आपने एक प्लस का या माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 के अंदर से जब आपने 4 को माइनस किया आपके पास आ जाएगा 2 यूनिट वेक्टर आई, और 7 के अंदर जब आपने ए को प्लस किया यानी कि यूनिट वेक्टर जे के अंदर यूनिट वेक्टर जे के कोफिशियंट को प्लस करना है, 7 के अंदर आपने तफान को प्लस किया तो आपके पास आ गया 8j। यहाँ से देखिए जरा आप, आपके पास ये जो आपके पास 2 है यानी कि आप ना ए को सेपरेट कर लें, ए के साथ 2 है ना, जब 2 यहाँ पे जाके पहले मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के साथ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यूनिट वेक्टर 2i प्लस 8j डिवाइडेड बाई 2, आपके पास ये वाला 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। अब आपने देखिए अगर हम यहाँ से ऊपर से देखें ये 2 है ये 8 है तो इसमें से कॉमन निकल रहा है 2, तो यहाँ से 2 को आप कॉमन निकाल लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप यहाँ से 2 को कॉमन निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 4 सर 8j डिवाइड बाई 2,
तो नीचे वाला 2/2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास यूनिट वेक्टर जो ए है वो आपके पास इक्वल आ गया यूनिट वेक्टर आई प्लस 4j के, क्या आपके पास यूनिट वेक्टर ए आ गया है। ठीक है, अब आपके पास रिक्वायर्ड क्या था, आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का आपको फॉर्मूला आता है, आप लिखोगे मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो आपके पास आ जाएगा, को आप मैग्नीट्यूड को आप ऐसे डिनोट करते हो, आप लिखोगे अंडर रूट एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। ठीक है, तो एक्स के स्केयर किसे कहते हैं हम, आई के कोफिशियंट को, आई का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है, वन है, तो आप करोगे अंडर रूट वन का स्केयर प्लस वाई, किसको, वाई किसको बोलते हैं, जे के साथ जो कोफिशियंट होता है फोर, फोर का स्केयर, वन का स्केयर आपके पास वन ही होता है, और फोर का स्केयर क्या होता है 16, आपने 16 के अंदर वन को प्लस किया तो अंडर रूट 17 आ गया, और अंडर रूट 17 का ना आपने इसको क्या करना है, आपने ना अंडर रूट 17 को कैलकुलेटर के ऊपर ना आपने इसको इसका अंडर रूट लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.1, यानी कि आपके पास यू वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड जो है आपके पास 4.1 आ गई, और ये आपके पास आपके न्यूमेरिकल का रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 में कहा गया गिवन डैट वेक्टर इज दिस एंड वेक्टर बी इज दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल ऑफ द ए पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द एंगल ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल है ए प्लस बी, एंड बी पार्ट में कह रहे हैं डी वेक्टर जो है वो इक्वल है 3a-2b वेक्टर के, आपने मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड करना है। यहाँ पे मैंने इसका गिवन डाटा लिख दिया हुआ है, गिवन डाटा में आप वेक्टर ए की अब लिखोगे जो आपको गिवन है, आप वेक्टर बी लिखोगे, फाइंड आपने करना है दिस एंड दिस। ठीक है, इसकी आपने सी जो है सबसे पहले हम ए पार्ट सोल्व करते हैं, हम लिखते हैं सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं सी वेक्टर जो है वो हम गिवन है ए प्लस बी के, पहले हम इसको ए प्लस बी को प्लस करते हैं, आप उसको अब आपके पास ना यहाँ पे सी वेक्टर फाइंड करना है ना आपने, आप यहाँ पे करेंगे तो सी वेक्टर जो आपके पास इक्वल आया ए प्लस बी के बराबर आया है, तो आप यहाँ पे लिखोगे सी वेक्टर ए की जगह आपने वेक्टर ए की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि आपके पास क्या है 2i, पुट करें वेक्टर ए की वैल्यू जो आपके पास है 2 यूनिट वेक्टर i प्लस 3 यूनिट वेक्टर j प्लस, और बी के वैल्यू आपके पास क्या है 3 यूनिट वेक्टर i-4 यूनिट वेक्टर j, यानी कि आपने सिर्फ ध्यान से ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी है, तो हमने प्लस एज इट इज रखा है, और बी वेक्टर की जगह हमने बी वाले वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी है, इक्वल की जगह इक्वल आ गया 2i+3j, देखिए y प्लस है ना तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे बल्कि एज इट इज आ जाएगा 3i-4j। अब 2 के अंदर आपने 3 को जमा करना है, यानी कि यूनिट वेक्टर i के अंदर यूनिट वेक्टर i प्लस होगा, ये 3 है और ये 2 है, तो 3 के अंदर जब हम 2 को जमा करेंगे आपके पास आ जाएगा 5 यूनिट वेक्टर i, और यहाँ पे आपके पास j के साथ 3 है और -4 है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, -4 के अंदर जब आपने 3 को माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा -यूनिट वेक्टर j, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन इसलिए माइनस आ जाएगा, 4 के अंदर जब आपने 3 को माइनस किया तो आपके पास j आ गया, ठीक है -6, ये आपके पास आ गया वेक्टर c वेक्टर जो भी इसके बराबर आ गया। आपको इस सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और एंगल फाइंड करना है, तो हम इसके सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करती हैं, जब आप इसके मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आप लिखोगे सी वेक्टर को इन दो लाइंस में, और आप इसका फॉर्मूला लगाओगे आपके पास है एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, तो एक्स के स्केयर की जगह आप इसकी वैल्यू पुट करें, आपके पास जो यूनिट वेक्टर आई के साथ 5 है तो आपके पास एक्स की वैल्यू है, और यूनिट वेक्टर जे के साथ जो आपके पास है कोफिशियंट वो आपके पास वाई की वैल्यू है, जे के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये सब 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्केयर, 5 का स्केयर आपके पास क्या होता है, 5 का स्केयर आपके पास होता है 25, और प्लस 1 का स्केयर आपके पास 1 ही होता है, तो 25 के अंदर जब आप 1 को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 26, अंडर रूट 26 आपके पास आ गया, आपने अंडर रूट कैलकुलेटर पे अंडर रूट 26 करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.09। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई, तो ये आपके पास आ गई सी वैक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई है, ये आपने फाइंड करनी थी आपके पास सी वैक्टर की, ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आपके पास सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो आ गई है 5.1, या आपके पास सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई, आपके पास अब हमने इसी वेक्टर की सी की मैग्नीट्यूड फाइंड होगी, अब हमने एंगल फाइंड करना है, सी वेक्टर की हमने एंगल फाइंड करना है, हमारे पास हम यहाँ पे लिखेंगे आई जो है हमारे पास इक्वल है टेन इनवर्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है एंगल फाइंड करने का वाई डिवाइड बाई एक्स, तो वैल्यू पुट करें टेन इनवर्स एज इट इज़ आ गया, वाई की वैल्यू आपके पास क्या थी, ये देखें यहाँ से वाई की वैल्यू देखनी है आपने 1 है, तो आपने यहाँ पे वाई की जगह 1 पुट कर देना है, और आपके पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपके पास 5 है, तो आपने यहाँ पे 5 पुट कर देना है, टेन इनवर्स
कैलकुलेटर पे आपने 1/5 करोगे जो आपके पास आ जाएगा 0.2, और आपने टेन इनवर्ट्स लेना है, ब्रैकेट टेन इनवर्ट्स कैलकुलेटर पे लिख के और ब्रैकेट के अंदर लिखना है 0.2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 11 डिग्री, या आपके पास आ गया फाई। अब आपने नोट करना है कि आप भी आपके पास ना जब भी एंगल्स फाइंड कर रहे होते हैं ना, तो आपने एक्स और वाई की यानी कि एक्स और यूनिट वेक्टर आई के साथ जो कोफिशियंट होता है ना, आपने उसके उसके साइन को देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखिए आई के साथ जो आपके पास कोफिशियंट है, जो वैल्यू है वो प्लस की है, और वाई के साथ जो आपके पास वैल्यू है वो नेगेटिव की है, यानी कि यूनिट वैक्टर जे के साथ नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है और वाई यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो आपने देखना है ये कौन से कोऑर्डिनेट है जिसमें आपके पास, यहाँ देखिए ज़रा कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसके जिसके अंदर आपके पास एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। अब आपने चेक करना है कि कौन सा कोऑर्डिनेट है ये वाला, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ये देखिए ज़रा इसके अंदर, यहाँ इसके अंदर फोर्थ कोऑर्डिनेट में अंदर आपके पास एक्स हमेशा आपके पास जमा का होता है जबकि आपके पास वाई नेगेटिव का होता है। तो आपके पास ये जो सी वेक्टर आया है ना, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आपने यहाँ पे लिखना है जो हमने पीछे लिखा था ना, सेम वही लिखेंगे यहाँ, ठीक है। आप लिखोगे एज रिजल्टेंट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो डायरेक्शन इस, तो इस एंगल की डायरेक्शन क्या होगी आपके पास, थीटा के पास जो है वो इक्वल होगा, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है तो आप करते हो 360 माइनस फाइव, ठीक है, यानी कि 360 को करते हो आप यहाँ पे ना, आप 360 के अंदर माइनस करते हो फाई को जो आपके पास एंगल होता है। तो आप बोलोगे 360 और जो फाई जो आपने अभी फाइंड किया था 11, 360 में से जब आप 11 को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 349 डिग्री, आपके पास ये एंगल आ गया, यानी कि आपके पास सी जो वेक्टर था उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया आपने और उसका एंगल भी फाइंड कर लिया, जो कि आपके पास ये आ गया। अब जिस तरह आपने सी वेक्टर फाइंड किया है ना, सेम एज इट इज़ आपने ये डी वेक्टर फाइंड करना है, डी वेक्टर जो कि आपके पास इक्वल है 3a-2b के, ये फाइंड करेंगे अब हम। आप लिखोगे यहाँ पे b पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का b पार्ट है ये मेडिकल का, डी वेक्टर इक्वल आपके पास 3a-2b, ठीक है। 3 को आपने एज इट इज लिखना, a की जगह आपने अपनी ये वेक्टर्स की वैल्यू लिख देनी है, ये जो आपको गिवन है इन द फॉर्म ऑफ आई और जे। a वेक्टर की जगह आपने a वेक्टर की वैल्यू लिखनी है जो कि आपके पास है 2i+3j, ब्रैकेट क्लोज, -2 को ध्यान से एज इट इज पुट करना है, और b वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्या है, 3i-4j, मल्टीप्लाई करें 3 2 6i हो गया, +3 3 9j हो गया, -2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, -6i, जब -+ 4 2 8j हो गया। यूनिट वेक्टर आई के अंदर आपने यूनिट वेक्टर आई को कंडे के अंदर, ये वाला प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो ख़त्म हो गया। तो 6i के अंदर जब आपने 8 को प्लस किया, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, जब आप 9 के अंदर 8 को प्लस करोगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 17j, यानी कि डी वेक्टर जो है वो आपके पास आ गया 17j। अब अपने इस डी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ना, तो मैग्नीट्यूड को हम इसमें इसके पास इस सिंबल में लिखते हैं ना, तो आप फार्मूला पुट करोगे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ पे एक्स का स्क्वायर कि आई तो खत्म हो गया है, तो आई का स्केर आई यानी कि एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, और वाई की वैल्यू क्या हो गया कि बस 17 का स्केयर करोगे, जब आप इसके अंदर इसको प्लस करोगे तो 17 का स्केयर आएगा ना, स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास डी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल आ जाएगी 17 के, ठीक है। ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई है, ये आपके पास क्या आ गई है, मैग्नीट्यूड जो कि आपने यहाँ से फाइंड करना स्टार्ट की थी। सर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड की नहीं, इस तरह आपने क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। अब एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फाई इज इक्वल है tan इनवर्स y डिवाइड बाई x, tan इनवर्स y की वैल्यू यहाँ पे देखिए ज़रा, इस ये d वेक्टर ना हमारे पास y की वैल्यू आपके पास है 17, जबकि आपके पास x क्या था, देखिए x है ही नहीं है ना, तो यहाँ पे x का 0 है, जीरो है। आपको पता है जब भी बटे के नीचे यानी कि y के नीचे 0 आता है तो यहाँ के पास सारी वैल्यू क्या हो जाती है, सारी वैल्यू आपके पास हो जाती है, जब भी किसी वैल्यू के नीचे 0 आता है तो वो इन्फिनिट के बराबर होती है, यानी कि बटे के नीचे बाई के नीचे अगर 0 आ जाए तो इन्फिनिट के बराबर हो जाती है, टेन इनवर्स ये आ जाएगी इन्फिनिट। टेन इनवर्स इन्फिनिट जो होता है ना वहाँ के पास बराबर होता है हमेशा 90 डिग्री की, बात आपने याद रखनी है, जब भी हम टेन इनवर्स हमारे पास टेन इनवर्स इंटू इन्फिनिट आ जाए तो वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है, यानी कि 90 डिग्री पर हमेशा टेन इनवर्स हमें इन्फिनिट वैल्यू देता है। तो आपके पास यहाँ से जो एंगल है थीटा वो आपके पास बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। तो आपने डी वेक्टर का एंगल भी फाइंड कर लिया और मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली। आई होप सो कि आपको वापस न्यूमेरिकल नंबर 6 भी समझ आ गई होगी। आगे हम फाइंड करते हैं न्यूमेरिकल नंबर
7। न्यूमेरिकल नंबर 7 में कह रहा है हमें पॉइंट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर दिस ए दिस एंड बी दिस। कह रहा है ये दो मैंने आपको वेक्टर दिए हैं, आपने इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल्स फाइंड करना है। जो आप लिखोगे गिवन डाटा लिखने के बाद आपके पास जो वेक्टर ए है उसको पुट कर दोगे और जो वेक्टर बी है उसके उसको लिख दोगे, ठीक है। फाइंड करना है हमने एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, जिसको हम थीटा से डिनोट करेंगे कि हमने फाइंड करना है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद आपके पास जो थीटा हमने फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले देखिए सर, आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा था कि आपके पास अगर दो प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी जो है वो बस बराबर होता है ए बी इंटू कॉस थीटा के। ये वाला ए और जो वाला बी है ये दोनों क्या मैग्नीट्यूड हैं, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड है जबकि ये दोनों वेक्टर्स हैं। आगे पास ए डॉट बी जो है वो इक्वल होता है ए बी कोस थीटा के। यहाँ से हमने ये थीटा एंगल, ये थीटा जो होता है ना ये एंगल को डिनोट करता है। तो हमने इन दो वैक्टर के दरमियान ये एंगल थीटा फाइंड करना है। तो इस थीटा को ज़रा सेपरेट करें, आपके पास ये पे यहाँ पे जाएगा कोस थीटा, ए वैक्टर डॉट वैक्टर बी कि जो ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल को साइड पे जाएगा उसका जगह डिवाइड हो जाएगा, ए बी डिवाइड हो जाएगा। हमने यहाँ से थीटा को सेपरेट करना है ना, थीटा अपनी जगह पे रहेगा, जब ये कोस वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा कोस इनवर्स हो जाएगा, मतलब उलट हो जाता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पे कोस है तो जब वो इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा तो कोस इनवर्स हो जाएगा। क्या कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी, ये हमारे पास है फॉर्मूला आपके पास एंगल फाइंड करने का, ठीक। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ए डॉट बी फाइंड करना है, फिर ए डॉट बी का हमने क्या फाइंड करना है मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, फिर जब हमें इन दोनों की वैल्यूज पर लग जाएगी फिर हमने इस फॉर्मूले पुट करनी है तो फिर हमारे पास एंगल आ जाएगा। क्या सबसे पहले हम ए डॉट बी फाइंड करते हैं, ए वैक्टर डॉट वैक्टर बी, ए डॉट बी जो वैक्टर है हमने इसका पढ़ा, ए डॉट बी वैक्टर जो हमारे पास बराबर होता है, ये आपने इसका इसका ना आपने ये पीछे पढ़ा है ना सारी अपनी जब चैप्टर पढ़ा था, ये के पास बराबर होता है ए एक्स बी एक्स के प्लस ए वाई इंटू बी वाई के बराबर होता है। अगर आपके पास जी की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ जी वैल्यू होती है तो वो फिर साथ होता है ए जी इंटू बी जी। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए ये देखिए ए डॉट बी पुट करेंगे ना, ए डॉट बी ये मैंने आपके पास सामने ये फॉर्मूला लिखा है, ये वाला फॉर्मूला आपके पास ए डॉट बी का, और जब भी आपने ए डॉट बी फाइंड करना है ना तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर। आपके पास ए डॉट बी जो है ना वो आपके पास बराबर हो यानी कि ना इक्वल डाल के ना ए वेक्टर की जगह ना अपनी ये वैल्यू पुट करें जो आपके पास गिवन थी, फाइव आई यूनिट वैक्टर प्लस जे यूनिट वैक्टर दरमियान में डॉट, और बी आपके पास इक्वल है टू यूनिट वैक्टर आई प्लस फोर जे यूनिट वैक्टर। इन दोनों को ना आपने इस वाले फॉर्मूले के साथ करना है यानी कि आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे ये सारे जो है ये पहले वाला होता है ए एक्स और ये है ए वाई, जबकि ये आपके पास है बी एक्स और ये आपके पास बी वाई है, यानी कि फर्स्ट यूनिट वेक्टर को आपने फर्स्ट यूनिट वेक्टर के साथ यानी कि आई के साथ आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है। फाइव टू सर क्या हो जाएगा टेन, और आई का स्केयर हमारे पास यूनिट वेक्टर वन के बराबर होता है उसको हमें पता है, तो हम उसको जब वन को टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन ही आएगा ना, फोर वन जार फोर ये आ जाएगा, ठीक है। टेन के अंदर जब फोर को जमा करेंगे तो फोर्टीन आ जाएगा, तो आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है ना आपके पास फोर्टीन के बराबर आ गया है। इस तरह आपने अब ए डॉट बी वेक्टर फाइंड किया ना, अब आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है अलहदा अलहदा, यानी कि हमने ए डॉट बी फाइंड किया ना, अब हमने नीचे वाला जो हमारे पास ए और बी है ना सेपरेट ए की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है फिर बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वो किसके बराबर होती है ए, इसको हम सिंपल ए लिख सकते हैं या हम इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। वेक्टर डाल के ऊपर और इसके लाइंस दो लगा के, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है। तो इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। आप देखिए ज़रा ये आपके पास है वैक्टर ए फाइव, एक्स की जगह हम पुट करेंगे फाइव का स्केयर प्लस वाई की जगह पुट करेंगे वन, देखिए ना जे यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट वन है तो यहाँ के पास है वाई, फाइव का स्केयर क्या होता है 25 और प्लस वन का स्केयर वन ही होता है, 25 के अंदर वन को प्लस करेंगे 26 आ जाएगा। आपने 26 का कैलकुलेटर के ऊपर अंडर रूट लेना है तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट आपके पास आ जाएगी 5.09 आ जाएगी। तो देखिए आप इसको राउंड ऑफ कर लेना, आपके पास जीरो के बाद नाइन जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 5 है ना, तो आप इसको इंक्रीज कर दोगे यानी कि इसे पीछे वाली को जीरो की जगह वन पुट कर दोगे, ठीक है। 5.1 यानी कि आप इसको राउंड ऑफ कर दिया, आपके पास ए की मैग्नीट्यूड जो है वो 5.1 आ गई है। जिस तरह आपने ए के फाइंड किया ना मैग्नीट्यूड, सेम एज इट इज़ आपने बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी,
वो आपके पास आ जाएगी बी मैग्नीट्यूड ओ फैक्टर बी जो आपके पास, इसको खाली सेपरेट बी में भी लिख लो और साथ इसको इस सिंबल में भी लिख लो, ठीक। फार्मूला लगाएं एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, एक्स का स्केयर आपके पास क्या है टू आ जाएगा, देख रहे हैं यूनिट वेक्टर आई के साथ टू कोफिशियंट है टू का स्केयर, और वाई आपके पास क्या हो जाएगा जो जे के साथ कोफिशियंट है वो फोर है, वाई की वैल्यू आपके पास फोर है। टू का स्केयर आपके पास क्या होता है, टू का स्केयर आपके पास होता है फोर, और फोर का स्केयर होता है सिक्सटीन, सिक्सटीन का नाम फोर के पास क्या अंडर रूट ट्वेंटी आ गया, ट्वेंटी का कैलकुलेटर ऊपर अंडर रूट लेना है तो आपके पास आ जाएगा 4.47, 4.47 को आप राउंड ऑफ कर लेते हो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सेवन बड़ा है पिछले वाले को इंक्रीज कर दें आपके पास हो जाएगा 4.5, ठीक है। आपके पास देखिए अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी आ गई, मैग्नीट्यूड बी भी आ गई, और ए डॉट बी भी आपने फाइंड कर ली है, आपने देखा ना ये ए डॉट बी भी फाइंड कर ली है। अब आपने ये सारी वैल्यू जो आपके पास आ गई ना आपने इसमें उसको पुट कर देना है अपने इस वाले में एंगल में, ये फॉर्मूला था ना आपके पास थीटा के पास इक्वल था कोस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाई ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड, आपने सिंपल ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है। ए डॉट बी जो आपने अभी फाइंड किया था यहाँ पे 14 आपके पास आया था तो आपने इसकी जगह 14 पुट कर देना है डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आई थी 5.1, आप यहाँ पे लिखोगे 5.1 और ब्रैकेट के अंदर साथ आप लिखोगे मल्टीप्लाई डालो या ब्रैकेट डालो की बात है 4.5, ठीक है ये ऐसे लिख लें। अब आपने ना नीचे लिखना है कोज इनवर्स 14, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है 5.1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4.5 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ना आपने वो लिख देना है यहाँ पे। ज़रा 5.1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 4.5 के साथ तो आपके पास आंसर आ गया है 22.95। अब आपने इसको 14 को डिवाइड कर देना है आपने ये जो आपके पास नीचे आंसर आया हुआ है तो आपके पास आ जाएगा कोस इनवर्स 0.61, इसका आपने आप शिफ्ट हुआ के ना तो कोज इनवर्स लेना है, कोज इनवर्स इनटू आंसर करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 52.4। तो आपके पास ना उसने बुक पे 52 दिया हुआ है तो 52 आपके पास आ गया ये थीटा एंगल, ठीक है ये आपके फाइंड करना था ये आपके पास आंसर आ गया। आगे हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमें कह रहा है फाइंड द वर्क डन एंड द पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द फोर दिस मूव इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द पॉइंट दिस। यहाँ मैंने लिख दिया हुआ है आपके सामने गिवन डाटा, गिवन डाटा में हमने क्या दिया हुआ है फोर्स ने हमें दी हुई है, हमने इसको फोर्स को लिख लिया और पॉइंट हमने उससे एक पॉइंट दिया हुआ है बी और एक पॉइंट दिया हुआ है उसने क्यू, हमने खुद से नाम दे देना है यानी कि आपके पास यहाँ पे जो दो पॉइंट्स है ना आपने इनको उन दोनों पॉइंट को खुद से कोई नाम ले देना है, कोई भी पॉइंट दे मैंने इसको पी का नाम दे दिया इसको क्यू का नाम दे दिया है, ठीक है। इस पॉइंट्स को आपने ना इन द फॉर्म ऑफ पोजिशन वैक्टर लिखना है, पोजिशन वैक्टर मैंने इसको आर वन में लिख दिया पहला और जो पॉइंट क्यू था ना उसको मैंने आर टू से नोट कर दिया, ठीक है। इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ आई जे टू आई माइनस जे और सिक्स को लिख दिया सिक्स आई और फोर को लिख दिया प्लस फोर जे, वर्क हमने फाइंड करना है। तो देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क हमारे पास बराबर होता है एफ डॉट डी के बराबर होता है, हमारे पास वर्क करना है सबसे पहले यहाँ पे ये डी फाइंड करना है, ठीक है। तो डी फाइंड करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, डी हमारे पास यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमने अभी पढ़ा था फर्स्ट न्यूमेरिकल में, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बराबर होता है आर टू माइनस आर वन के, तो ये आपको फाइंड करना आता है। आप वैल्यूज पुट करें आर टू की जगह पुट करें सिक्स आई प्लस फोर जे तो मैंने माइनस लगाएं और आर वन की जगह आर वन का वैल्यू पुट करें टू आई माइनस जे और बैटरी क्लोज कर दें सिक्स आई प्लस फोर जे। अब इस माइनस को ना मल्टीप्लाई करें माइनस आई और जब माइनस माइनस का जो प्लस साइन यानी कि साइन ब्रैकेट के अंदर वाले के ना साइन चेंज हो जाएंगे, टू प्लस का तो माइनस हो गया ये वाला प्लस का तो माइनस का तो प्लस हो, तो आप आई के अंदर आई को प्लस करें यानी कि सिक्स के अंदर आपने फोर सिक्स के अंदर टू को माइनस करेंगे तो क्या पास क्या आ जाएगा फोर आई आ जाएगा वेक्टर आई, और आपने चार के अंदर ए को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा सॉरी जे के अंदर जे को प्लस करें आपके पास फोर के अंदर आपने वन को प्लस किया तो फाइव जे वेक्टर जे आपके पास आ गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आ गया फोर्स आपको गिवन है आपने इसमें वैल्यूज पुट करने तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखोगे आपके पास वर्क डन जो है वर्क आपके पास इक्वल आ गया एफ डॉट डी, एफ की जगह वैल्यू पुट करें आपके पास ये है थ्री यूनिट वेक्टर आई प्लस टू जे डॉट ये आपके पास डी है फोर आई प्लस फाइव यूनिट वेक्टर जे। अब आपने ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है आई के अंदर ना आपने फर्स्ट वाले को ना आपने आई के अंदर आई को मल्टीप्लाई करना है थ्री को फोर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा थ्री फोर ज़ार 12 आपके पास आ जाएगा 12 प्लस फाइव जे के अंदर ना जे वाले कोफिशन को मल्टीप्लाई करना है फाइव टू ज़ार 10 आपके पास आ जाएगा ये वर्क। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपने जब सॉरी प्लस करें 12 के अंदर जब आपने 10 को प्लस किया तो आपके पास आ जाएगा 22 तो वर्क का यूनिट हमारे पास क्या होता है जूल तो आपके पास ये आंसर आ गया
वर्ड जो है 22 जो। अच्छा स्टूडेंट, आके हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9 है, शो डैट द थ्री वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस आर द म्यूचुअल परपेंडिकुलर। कह रहे हैं आपको तीन वेक्टर्स दे दिए, मैं आपने इन तीनों वेक्टर्स को ये शो करवाना है कि ये तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो हम लिखते हैं गिवन डाटा, गिवन डाटा लिखने के बाद आपके पास ये वेक्टर ए है, आपके पास ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ठीक है। आपने करना है फाइंड द शो डैट द थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होता है, आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है कि तीन वेक्टर्स वह म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे अगर आप एक वेक्टर ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लो तो आपके पास जीरो आंसर आए, अगर आप बी को सी के साथ जीरो उसका डॉट प्रोडक्ट लो तो आपके पास जीरो जीरो आए, और अगर आप ए को सी के साथ लो तो अभी आपके पास जीरो आए। मतलब आप इन तीनों को एक वन बाई दो यानी कि दो दो को लेकर जिससे मर्जी आप इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो अगर आपके पास जीरो आता है तो इट मीन्स ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आप लोगों के सोल्यूशन आप लिखोगे थ्री, तीन वेक्टर चाहिए ना, आप लिखोगे थ्री वेक्टर्स विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर वब होंगे इफ अगर आपके पास ए डॉट बी इक्वल आए बी डॉट सी के, और सी डॉट ई और ये बी आए बराबर सी डॉट ए के, और ये सारों का जीरो के बराबर आए। अगर ये तीनों जीरो के बराबर आते हैं इट मीन्स आपके पास ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हाँ हमने प्रूव करना है ना, सबसे पहले हम करते हैं ए डॉट बी लेते हैं, ठीक है। ए डॉट की जगह आप ए आपने वेक्टर ए की जगह आपने वेक्टर ए की वैल्यू पुट करनी है जो कि आपके पास है यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर के, आपने इसका डॉट लेना है वेक्टर पी के साथ, और वेक्टर बी की वैल्यू आपके पास गिवन है 2i माइनस 3j प्लस के। आपको इसका डॉट प्रोडक्ट लेना आता है ना, आपने i के अंदर i को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि i के कोफिशेंट को i के कोफिशेंट मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2 को इसका कोफिशेंट 1 है, जब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 2 1 2, तो माने प्लस लगाना है, जे के अंदर जे को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 3 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, और के अंदर आपने के को प्लस करना है मल्टीप्लाई करना है ना, के कोफिशियंट को के कोफिशियंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप के को के साथ इसका भी कोफिशियंट 1 है, इसका कोफिशियंट 1 है, तो वह जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 1। अब देखिए ज़रा आपके पास ये 1 है और ये 2 है, 1 के अंदर 3 को प्लस करेंगे, 1 के अंदर 2 को प्लस करेंगे तो 3 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा काटेंगे तो आपके पास 0 आ गया। आपके पास a डॉट b जो है वो 0 के बराबर आ गया। अब इसी तरह हम सेम एज इट इज़ ना फाइंड करते हैं b डॉट c, करते हैं b डॉट c फाइंड करते हैं। b की जगह आपने ना जो वैक्टर b है ना इसकी जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है, b आपके पास वैल्यू है 2 यूनिट वैक्टर i माइनस 3 यूनिट वैक्टर j प्लस यूनिट वेक्टर के डॉट, और सी की जगह आपने ना सी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देनी है, आपके पास है 4i प्लस जे माइनस 5k। मल्टीप्लाई करना है दोनों को, ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता है ना, आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 2 4 जार 8, तो मैं देखिए सर आप ये प्लस माइनस माइनस है ना, जे के कोफिशियंट मल्टीप्लाई करें 3 1 3। आप देखिए जरा ये वाला के को के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, यहाँ पे माइनस 5 और यहाँ पे 1 है, माइनस 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास ये आ गया, आपके पास आ गया 8 माइनस 3 और माइनस 5, माइनस माइनस प्लस होती हैं, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन माइनस आ गया, और ये जब आप 5 के अंदर 3 को जमा करोगे तो 8 आ गया, तो एक प्लस का एक माइनस से कैंसिल हो गए, तो आपके पास बी डॉट सी जो है ना वो आपके पास 0 के बराबर आ गया, सही है। अब हम अगेन क्या फाइंड करेंगे, हमने कहा था यहाँ पे सी डॉट ए फाइंड करेंगे, अब हम सी डॉट ए सी वेक्टर की जगह आपने सी वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है, आपके पास है 4 यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट वेक्टर जे माइनस यूनिट माइनस 5 यूनिट वेक्टर के, तो मैं हमें डॉट लगाना है, और ए की जगह आपने ए की ना वेक्टर की वैल्यू पुट करनी है यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट वेक्टर जे प्लस यूनिट वेक्टर के। अब आपने मल्टीप्लाई करो, जब 4 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4 1 4 प्लस इसका कोफिशियंट भी 1 है, इसका कोफिशियंट भी 1 है, 1 1 1। अब देखिए माइनस 5 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा माइनस 5, तो 4 का 1 को प्लस किया 5 माइनस 5, तो देखिए ज़रा ये भी माइनस का है और ये प्लस का है ना, एक प्लस का एक माइनस का है, तो आपके पास सी डॉट जो है वो भी 0 के बराबर आ गया। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था ए डॉट बी, वो हमारे इसको इक्वेशन में 1 का नाम दे दें, फिर हमने फाइंड किया था बी डॉट सी, वो भी 0 के बराबर आया था, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दें, फिर हमने फाइंड किया सी डॉट ए और वो भी 0 के बराबर आई, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। आपने लास्ट में लिखना है फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 क्या शो हुआ हमारे पास? ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट सी इक्वल है सी डॉट ए, ये सारे किसके बराबर है? ज़ीरो के बराबर है। अगर ये ज़ीरो के बराबर हैं इसका मतलब है हैंस प्रूव दीज थ्री वैक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये आपके पास प्रूव हो गया है। आई होप सो कि आपको इसके क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आगे पास हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 9। कह रहा है शो डैट वेक्टर ए दिस एंड बी वेक्टर दिस, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। आपने इसका ए का जो बी पर जो प्रोजेक्शन यानी कि जो साया मान रहा है आपने वो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन डाटा में आपके पास जो वेक्टर ए है आपने उसको लिख देना है एज इट इज़, और जो बी वेक्टर है उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। हमने प्रोजेक्शन फाइंड करना है ए का बी पर। और जो देखिए ज़रा, अगर मैं आपके सामने एक डायग्राम बना के दिखाऊँ, ये आपके पास है, लेट्स सपोज यहाँ से ऐसे करती हूँ, ये आपके पास है एक, ये आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास वेक्टर बी है, ठीक है। इनके दरमियान में एक थीटा एंगल बन रहा है। अब हमने देखा इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बन रहा होगा, हमें देखे ना ए का प्रोजेक्शन बी पर बन रहा है। तो यहाँ पे जो इसका प्रोजेक्शन बन रहा होगा वो क्या होगा, ए कोस थीटा को पता है ना एक्स एक्सिस पे कोस थीटा होता है और वाई एक्सिस पे साइन थीटा होता है, यानी कि ए का जो प्रोजेक्शन बन रहा है ना वो इधर बी पर बन रहा है, बी पर। तो जो बी पर बन रहा होगा ना हम लिखे ए कोस थीटा, यानी कि हमने ए कोस थीटा फाइंड करना है। प्रोजेक्शन ऑफ ए और बी जो है वो हमारे पास क्या है, ए कोस थीटा, ये हमने ए कोस थीटा फाइंड करना है, ठीक है। हम लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखने के बाद हम अपना यहाँ से हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए ज़रा आपके पास डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट बी किसके बराबर होता है, हमारे पास बराबर होता है ए बी कोस थीटा के बराबर होता है। यहाँ से हमने क्या फाइंड करना है, हमने ए कोस थीटा फाइंड करना है। तो ए कोस थीटा को हमने यहाँ से फाइंड करना है और ये साथ बी, यानी कि ये हमने फाइंड करना, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहाँ से बी को ना इधर ले आए, क्योंकि जो हमने फाइंड करना होता है ना उसको सेपरेट रहने दें। ए कोस थीटा जो अपनी जगह पे रहेगा, बी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ए डॉट जो बी है वो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बी यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से फॉर्मूला आ गया ना, ए कोस थीटा जो कि आपके पास प्रोजेक्शन है ए का बी पर, वो आपके पास बराबर आ गया ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी के, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। सबसे पहले हम ए डॉट बी फाइंड करेंगे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे, फिर बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करते हैं ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर होता है, ए वेक्टर की जगह ना आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, ए वेक्टर की जो आपको गिवन है, इन द फॉर्म ऑफ आई माइनस टू जे प्लस थ्री के दरमियान में डॉट, और बी वेक्टर आपके पास किसके बराबर है, थ्री यूनिट वेक्टर आई माइनस यूनिट वेक्टर के के, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। अब आई के साथ आई की कोफिशियंट यहाँ पे आपके पास 1 है और यहाँ पे कोफिशियंट 3 है, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जे का यूनिट वेक्टर, जे के साथ जो कोफिशियंट है -2 है, यहाँ पे जे वाली वैल्यू ला ही नहीं कर रही है, है ही नहीं, जिसके है इसका मतलब वो 0 है। जब आप -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 0 आएगा। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर के साथ है 3 और यहाँ पे यूनिट वेक्टर के साथ है 4, प्लस माइनस, जब आप 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे आपका 12 आ जाएगा। -12 के अंदर से आपने क्या करना है, -12 के अंदर से आपने 3 को माइनस करना है, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -9, यानी कि ए डॉट बी जो है वो आपके पास आ गया -9 के बराबर आ गया। अब सेम इस तरह आपने ना बी के मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, बी के मैग्नीट्यूड आप इसको इस तरह डिनोट कर लोगे, यहाँ से मैग्नीट्यूड इसकी फाइंड करें, फार्मूला लिखें यहाँ पे, आपके पास फार्मूला आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करती हैं आपके सामने, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स आपके पास क्या है, यहाँ से देखनी है आपने, ये देखें एक्स आपके पास है 3 जबकि वाई आपके पास है -4, पुट करें एक्स की जगह पुट करें 3 का स्केयर दरमियाने प्लस फार्मूले का, और वाई की जगह पुट करें -4 का स्केयर, क्या आ जाएगा आपके पास, 3 का स्केयर होता है 9 प्लस 4 का स्केयर होता है 16, 16 के अंदर आपने 9 को प्लस करना है, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी √25, और 25 किसका होता है स्केयर, 5 का, आपके पास बी की मैग्नीट्यूड आ गई 5। अब आपने ये वैल्यू पुट करनी है अपने इस वाले के अंदर, ए कोस थीटा के अंदर, आप लिखोगे यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखोगे ए
कॉस थीटा जो आपके पास बराबर आ गया, ए रूट बी किसके बराबर आया था आपके, माइनस नाइन के बराबर आया था, माइनस नाइन, और बी वेक्टर आपके पास किसके बराबर है, फाइव के। तो आपके पास ये आपके पास आंसर आ गया, ए कॉस थीटा जो आपके पास आ गया माइनस नाइन बाई फाइव, तो माइनस नाइन बाई फाइव इज योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू सो मच।